Himalaya Quista Pro has superior protein way. The healthy way to fitness. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी लंबा समय बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी मोड में नजर आ रही है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है। दरअसल हाल ही में विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है, लेकिन इस सत्र के समाप्त होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन विधायकों के साथ वन टू वन चर्चा करने में जुट गए थे, जिनका एक सर्वे के आधार पर बेहद ही नेगेटिव रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल ये एक आंतरिक सर्वे था जो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। इसमें बताया जा रहा है कि 40 से 50 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक हैं जिनकी स्थिति उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अच्छी नहीं है। सर्वे रिपोर्ट शिवराज सिंह चौहान के पास विधानसभा सत्र के दौरान आ गई थी। विधानसभा का सत्र था, जाहिर सी बात है सभी विधायक भोपाल में थे, और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को एक बेहतर मौका मिल गया उन विधायकों से बात करने का जिनकी सर्वे रिपोर्ट नकारात्मक आई है। 40 से 50 ऐसे विधायक हैं जिनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक हैं। कुछ एक विधायक इनमें से वो हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पहले विधायक दल की बैठक बुलाई, और उसके बाद अलग अलग दिनों में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम तक इन विधायकों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन टू वन चर्चा की है। बताया गया है कि इस चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने उन विधायकों को उनकी कमियां बताई हैं। उन्हें यह भी बताया है कि उनके क्षेत्र की जनता किन चीजों को लेकर उनसे नाराज है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन विधायकों को साफ कर दिया है कि उनके पास अब 6 महीने का समय है। इस 6 महीने में वो अपनी छवि को अपने क्षेत्र में सुधारे, ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र में दे, सामाजिक और जातिगत समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश करें। 6 महीने के बाद उनका एक बार फिर से सर्वे कराया जाएगा, और यदि उसमें उनकी छवि पहले से बेहतर होती है या उनमें कुछ सुधार दिखता है तो ही आगामी विधानसभा चुनाव में उनके लिए कुछ सोचा जाएगा, अन्यथा उन्हें साफ कर दिया गया है कि यदि छवि नहीं सुधरेगी तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव में उनको टिकट देना पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होगा। हो सकता है उनका टिकट काट भी दिया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें कई सुझाव भी दिए हैं। सुझाव के साथ साथ अगले विधानसभा चुनाव के लिए कैसे तैयार होना है ये तो बताया ही है, लेकिन एक शर्त के साथ, शर्त यही कि अब अगले सर्वे में उनकी छवि, उनकी स्थिति पहले से बेहतर होनी चाहिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो 2018 का विधानसभा चुनाव हार गई थी। कई परंपरागत सीट जो है वो उसके हाथ से खिसक गई। हालांकि 2020 मार्च में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो चुनाव से नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बनी थी। 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव है, आदिवासी बहुल सीटें हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र, कई ऐसी परंपरागत सीटें भाजपा की जो कांग्रेस के खाते में चली गई थी। सर्वे रिपोर्ट में भी एक बार फिर से उन्हीं सीटों पर खतरा जताया गया है। इसीलिए साल भर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसके साथ ही विधायकों को यह भी साफ कर दिया गया है कि फरवरी महीने में, यानी साल 2023 के फरवरी में, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में विकास यात्राएं निकालेंगे। इसका मकसद होगा ज्यादा से ज्यादा विकास की जो योजनाएं हैं उन्हें जनता तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम करना, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि उनकी सरकार, उनका विधायक क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है।